दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। अपनी जो है पहली अपडेट को आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में भर्ती। तो सीधी सी बात यह है कि 3932 पदों पर जो है स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट ड्राइवर के पदों पर जो भर्ती आ चुकी है, और मैंने अभी 3 दिन पहले भी आपको बताया था। तो आज का जो अमर उजाला है उसमें ये आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट इसमें जो है हाई कोर्ट की भर्ती में 18 साल से लेके जो है 40 साल तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और नियमानुसार आपको छूट भी दी जाएगी, मतलब एससी वालों को 5 साल की छूट मतलब 45 साल तक, और साथ में ओबीसी वालों को जो 3 साल की छूट मतलब जो 43 साल तक आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती में। अब बात करते हैं इसके अंदर योग्यता की। तो इसमें कुछ पोस्टों के लिए तो 8th क्लास पास है, कुछ के लिए 10th क्लास पास है ना, और स्वीपर है, फरार्स है, इन सब के लिए 5वीं क्लास पास मांगते हैं। और यहाँ पे बात करेंगे चयन प्रक्रिया की। तो चयन के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर जो है चयन के लिए आपको जो ऑफलाइन तरीके से परीक्षा देनी होगी, और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट तो आप जानते हैं कंप्यूटर भी होता है। इसके बाद ऑफलाइन लिखित परीक्षा के बाद आपको हिंदी और इंग्लिश सामान्य और गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से फिट होना अनिवार्य है। यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि की बात करेंगे तो आवेदन की अंतिम तिथि है 13 नवंबर 2022, और इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। फीस को ज़रा ध्यान में रखिएगा, 1000 रुपये फीस है। यहाँ पर 1000 रुपये आवेदन शुल्क है, यहाँ पे देख लीजिएगा। और आवेदन के लिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहाँ से जाके अपना जो आप जो आवेदन कर सकते हैं। अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 11 नर्सिंग कॉलेजों में जो है 255 पदों पर भर्तियाँ होंगी, और ये ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्तियाँ होंगी। और नर्सिंग कॉलेज जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ पर, किस किस जिले में नर्सिंग कॉलेज जो है वो खोले गए हैं, आप यहां पे देख लीजिए। यूपी के जो है यूपी के 11 नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती होनी है, और इसी क्रम में 255 पदों पर संविदा के आधार पर जो है भर्तियां निकाली गई हैं। और ये भर्तियां जो कहां पर हैं, ये राजकीय नर्सिंग कॉलेज अंबेडनगर, ये अंबेडकर नगर है, जालौन है, आजमगढ़ है, सहारनपुर है, बांदा है, बहराइच है, इसके बाद अयोध्या है, बस्ती है, फिरोजाबाद अपने यहीं पर नज़दीक है, और साथ में इसमें जो है बदायूं भी बताया गया। यहाँ पर देख सकते हैं आजमगढ़ है, सहारनपुर है, बांदा है, बदायूं है, इन सभी खाली पदों को जो है जल्द से जल्द भरने का आदेश दे दिए गए हैं। 11 संस्थान जो है 11 जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर 255 पदों पर जो है भर्ती आ चुकी है संविदा के आधार पे। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है 26000 पद तो इसमें खाली थे ही थे, पर अब जो है इन्होंने बोला गया है जो है इसी माह जो है 21000 से ज़्यादा सिपाही बनेंगे हेड कांस्टेबल। जो सिपाही जो है वो इसमें जो है दीवान बन जाएंगे, हेड कांस्टेबल बन जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि 21000 पद ये और जोड़े जाएंगे। तो 26 में यदि आप 21 जोड़ते हैं तो आपका होता है कम से कम 47000 के आसपास। कम से कम जो है आप समझ सकते हैं जो है कि इसके अंतर्गत जो है कम से कम 47 और 50000 के बीच में जो है सिपाही भर्ती आएगी। पिछली बार 50000 के बीच में सिपाही भर्ती आई थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें जो है नागरिक पुलिस बल कांस्टेबल के जो है 21700 पद जो है जल्द खाली हो जाएंगे, क्योंकि इनका प्रमोशन हो जाएगा, प्रमोशन के बाद ये पद खाली हो जाएंगे। 20 नवंबर तक ये भी जोड़ के जो है भर्ती निकाली जाएगी। अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कि आरओ और एआरओ में अभ्यर्थन जो है वापसी के लिए आज आखिरी तारीख है। यहाँ पर बताया गया जो है कुछ लड़के सेलेक्ट हो चुके हैं पीसीएस में, तो वो जो है वो ये नौकरी नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ एक पद हेतु अभ्यर्थी जो है बढ़ाते हुए एसडीएम के पद पर तैनात हो चुका है 2021 वाले में। तो इन्होंने विवेक कुमार जी ने जो है अपना ये छोड़ दिया, इसमें आरओ एआरओ की जो है नौकरी छोड़ दी है, अभ्यर्थन वापस ले लिया गया। यहाँ पर लिखा हुआ कि 50 से अधिक चयनितों के जो नाम है मेल पर आ चुके हैं, ये नौकरी नहीं करेंगे, इनका पीसीएस में चयन हो चुका है। और यहाँ पे कुछ भी मतलब कैंडिडेट हैं नाम वापस लेने वाले के, डिप्टी एसपी के पद पर हैं ये, इसमें जो यामिन अहमद और वीडियो बने हैं और सब रजिस्टर्ड हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने जो अपने नाम वापस ले लिए, ये नौकरी नहीं करेंगे आरओ एआरओ की। नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि खेल कोटे से पुलिस भर्ती के आवेदन की आखिरी इसमें जो है तारीख 5 दिन बढ़ा दी गई है। आखिरी तारीख थी, इन्होंने जो है 5 दिन जो है बढ़ा दी गई, अब ये 5 नवंबर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएनपी ने जो है आपने देखा होगा कि इसमें सीटी और एनटीटी और इसमें डीपीएड, ये सभी भर्तियां जो होती हैं ये नर्सरी टीचर के लिए होती हैं, नर्सरी क्लास में पढ़ाने वालों के लिए होती है। तो यहाँ पर उनके लिए जो है कोर्स जारी करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ सीटी केवल महिला अभ्यर्थी हेतु जो है, और एनटीटी केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, और डीपीएड भी जो है केवल शैक्षणिक सत्र के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन की डेट की बात करेंगे तो यहाँ से एक नवंबर से इसमें वो चालू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करेंगे तो 6 दिसंबर आवेदन की अंतिम तिथि है, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहाँ से जाके अपना फॉर्म जो आप भर सकते हैं।
इसमें ये बार बार कमेंट ये बार बार निकाला जा रहा है कि पॉलिटेक्निक में संस्थानों में सुनहरा आपसे डिप्लोमा करने के लिए कोई एडमिशन नहीं ले रहा है, इसलिए बार बार डेट बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें 1 नवंबर से जो है 4 नवंबर के बीच में बढ़ा दी गई डेट। और यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है और ये यहाँ पे बताया गया है। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट को आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा गया है इसमें सोलर बिठाने वालों की संपत्ति कुर्की की जाएगी, उनकी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। बात करते हैं इसमें यूपी ट्रिपल एससी में जो कंबाइंड टेक्निकल की जो परीक्षा हुई थी, तो उसमें कम से कम 6 साल हो चुके हैं, उसका रिजल्ट आ चुका है। अभी तक 6 साल हो चुके हैं, भर्ती पूरी नहीं हो चुकी। यहाँ पे जो इन्होंने धरना प्रदर्शन के लिए 9:30 बजे आज बुलाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस भर्ती को लेकर जो कंबाइंड टेक्निकल वाले 6 साल बीत चुके हैं, ये देख लीजिए। नेक्स्ट अपडेट को आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 2024 से पूर्व होगी शिक्षकों की भर्ती। तो शिक्षकों की भर्ती जो है वो इससे पहले होगी और सरकार जल्द ही जो है वो शिक्षक भर्ती कर सकती है। शासन ने इसके लिए ब्यौरा तलब कर लिया गया है। और यहाँ पे बताया गया कि इसमें जो बेसिक शिक्षा स्कूलों में जो 1.20 लाख से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती हो चुकी है, वहीं माध्यमिक स्कूलों में 44,000 से अधिक जो शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल अभी यहाँ पे बताया गया फिलहाल जो अभी 51,000 पद और रिक्त हैं इसके अंतर्गत, और राजकीय इंटर कॉलेज के अंतर्गत 7,471 पद खाली बताए गए हैं। नौकरी लगने के बाद प्राइमरी टीचर नहीं पढ़ाते, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो विशेष निरीक्षण अभियान में 20,696 प्रसिद्ध शिक्षकों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, ये नहीं पढ़ा रहे थे यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे 30 नवंबर तक जो है ये चलाया जाएगा दुरुस्त जो है कार्यक्रम, यहाँ पे देख सकते हैं, रिपोर्ट देनी पड़ेगी शासन को। नेक्स्ट अपडेट के आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विज्ञापन की शर्तों के विपरीत दिया परीक्षा परिणाम करना पड़ेगा संशोधन। यहाँ पे जो है एई की बात चल रही है, यहाँ पे देख सकते हैं 15 अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं और 22 अभ्यर्थी नए शामिल कर दिए गए हैं। इसके द्वारा जाँच होकर तब इसका विज्ञापन निकाला, इसका जो है रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट अपडेट की ओर यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें हाईकोर्ट ने खारिज की है जिला आवंटन की दायरा, ये बात हो रही है। इसमें 68,500 जो शिक्षक भर्ती थी यहाँ पे इसको जो है वो खारिज कर दी गई है। एक बात और, यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूटी से 1 वर्ष से ज़्यादा गायब रहे तो जाएगी नौकरी चली जाएगी। अगर आप 1 साल से अगर ज़्यादा गायब रहे हैं और आपने लिखित रूप में दे दिया, फिर भी आपकी नौकरी जाएगी, क्योंकि 1 साल का वक्त बहुत होता है। और यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है कि कर्मचारी यदि 1 साल से ज़्यादा अनिर्गत रहता है, ड्यूटी से गायब रहता है, तो उसकी नौकरी मान ली जाएगी कि इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की ओर यहाँ पे लिखा हुआ है CGL 20 में जो है 7,108 अभ्यर्थियों को सफलता मिल चुकी, CGL में चयन हो चुका है। बात हो रही है इसमें SSC कर्मचारी चयन आयोग की, जो है यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग अखबारों के माध्यम से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ RO AR O के अभ्यर्थन वापस लेने का आज अंतिम मौका है। नेक्स्ट देखते लिखा हुआ, अब स्टार्टअप को 17,500 रुपये जो प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा, यदि आप स्टार्टअप हैं तो आपको जो है 17,500 रुपये मिलेंगे सरकार से। RBI जो है आज जारी करेगा डिजिटल करेंसी, सचिव को जो प्रत्यावेदन इन्होंने देकर जो है निर्देश दे दिए गए हैं। इंस्टाग्राम जो है सर्वर डाउन, लाखों यूजर्स प्रभावित हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भर्ती आपके हाथ से निकल ना जाए, कोई सूचना आपको छूट ना जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल करिए प्लस। थैंक यू वेरी मच।